Good morning, students. Welcome to CR International School online classes. Today, I am here to teach you English grammar, chapter 16, exclamatory sentence. बेटा, previous video में हमने exclamatory sentence के बारे में पढ़ा था. Exclamatory sentence क्या होते हैं? Exclamatory sentence capital letter से start होते हैं और full stop पर, sorry, exclamation mark पे खत्म होते हैं. इन sentences में हमें सडन इमोशन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करता है. अचानक से जो हमारे मन का भाव उमड़ के आता है किसी भी चीज को देखकर, उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. ठीक है बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम किस किस चीज का यूज करते हैं? इंटरजेक्शन और WH वर्ड वाले फैमिली का. ठीक है ना, आपको कल बताया था मैंने कि इंटरजेक्शन का यूज कैसे किया जाता है इसमें और WH वर्ड का यूज कैसे किया जाता है. ठीक है बेटा, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान है एक्सक्लेमेशन मार्क. जिस सेंटेंस में आपको कहीं भी एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे तो वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं. ठीक है बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनते हैं? देखिए बेटा, असर्टिव सेंटेंस हमने पढ़ा था. असर्टिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें अगर हम इंटरजेक्शन को जोड़ देते हैं तो वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाते हैं. ठीक है बेटा, और हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे जिसमें WH फैमिली के वर्ड यूज करते हैं. ठीक है ना, लेकिन उनसे क्वेश्चन बनते हैं, यही पढ़ा था ना हमने. लेकिन बेटा, WH फैमिली के दो वर्ड ऐसे हैं जिनसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं, वो है व्हाट और हाउ. ये भी हमने पढ़ा है ना. तो WH वर्ड से भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं और इंटरजेक्शन का यूज करके भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन के साथ ही एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है और WH वर्ड वाला जो सेंटेंस होता है, जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क को हम लास्ट में लगाते हैं. ठीक है बेटा, ओके. तो आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे. देखिए बेटा, आपकी बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज आपको दी हुई है. गिव अ सुटेबल सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टू द फॉलोइंग इंटरजेक्शन टू मेक कंप्लीट सेंटेंस. बेटा, आपको कुछ ये फॉलोइंग इंटरजेक्शन वर्ड्स दिए हुए हैं बुक में, ये आपको इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब ऐड करके आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है. ठीक है, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. एक वन आपके लिए किया हुआ है आपकी बुक में. देखिए फर्स्ट क्या है, ओ आई ब्रोक माय पेंसिल. क्या किया हुआ है आपको, ओ आई ब्रोक माय पेंसिल, यही है ना आपकी बुक में. बेटा यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है जो कि रॉन्ग है बेटा. आप उसको कट करके आपको वहां पर जो आगे साइड में जगह दी हुई है उसमें इस तरह से लिखना है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इंटरजेक्शन के साथ ही एक्सक्लेमेशन साइन का यूज होता है. असर्टिव सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप आता है. ये हमारा इंटरजेक्शन है और ये पूरा हमारा असर्टिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने इसमें लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है. ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको नेक्स्ट है हुर्रा. हुर्रा से क्या बनेगा बेटा, हुर्रा वी वॉन द गेम, है ना. नेक्स्ट है अलास. Alas, he has dead. ठीक है बेटा, वाओ वाओ एक अच्छी फीलिंग होती है ना, किसी भी अच्छी चीज को देख के वाओ का एक्सप्रेशन निकलता है. आप इससे अपने आप सेंटेंस बनाइएगा. नेक्स्ट आपका है यिप्पी. यिप्पी का
हमारा होता है एकदम जोश फीलिंग आती है, जोश आ जाता है हमें कोई किसी चीज को देखकर या सुनकर। जैसे कि अगर आपको कोई चीज की इच्छा है और वो आपके सामने हो जाए तो यिप्पी याहू इस तरह की फीलिंग आती है ना, इस तरह के वर्ड निकलते हैं ना। जैसे ही आपकी वेकेशन शुरू हो जाती है, यिप्पी ये हमारी छुट्टियां हो गई, ऐसे ही बोलते हो ना। हाँ, ओप्स ओप्स का कब होता है, जब कोई हमारे साथ मिस्टेक, छोटी सी गलती से मिस्टेक हो जाती है तो हम ओप्स बोल देते हैं। जैसे ओप्स आई पार्क्ड माय कार एट योर पार्किंग, मैंने अपनी कार आपकी पार्किंग में पार्क कर दी, है ना, ओप्स। ठीक है, ब्रावो ब्रावो का यूज करते हैं जब किसी को हम शाबाशी देते हैं, कोई अच्छा काम कर देता है तब हम ब्रावो का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट प्लस एडजेक्टिव। तो उसमें हमने आपको बताया था व्हाट अ फनी डे इट वॉज, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, इस तरह से बना सकते हैं, है ना। यूरेका, यूरेका हम यूज करते हैं जब कोई चीज हमें मिल जाती है तब हम यूरेका बोलते हैं एकदम से, है ना। यूरेका, वी गॉट इट, हमने ये मिल गया, है ना। नेक्स्ट है ओ माय गॉस का यूज कब करते हैं, जब दुख आ जाता है, थोड़ा सा दुख फील होता है। ठीक है, जैसे ओ माय गॉस इट्स सो लेट, बहुत लेट हो चुकी है, हे भगवान बहुत लेट हो गया, है ना। डैम यू का यूज करते हैं जब किसी को सुनाई नहीं दे रहा उसको बताने के लिए, डैम यू यू किलर, हत्यारे, कोई चिल्ला रहा है, somebody shouted, okay? Next आपकी exercise है, look at the picture given below, make three exclamatory sentences. आपको नीचे दो picture दी हुई है, इसमें आपको कोई तीन exclamation sentences बनाने हैं। जैसे wow, wow, इस लड़की ने butterfly को देखा, तब एकदम से expression आया wow, ठीक है? ये लड़की फिसल गई, एकदम से इसके मुंह से निकला oops, I slipped, ठीक है ना? Next आप अपने आप बनाइएगा, कुछ भी बना सकते हैं। गार्डन इतना सुंदर है तो क्या बोलेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज, है ना, इस तरह से। ओके, सो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे बेटा, थैंक यू बेटा।